आपने अकबर बादशाह के खिलाफ जिहाद का ऐलान किया था, क्योंकि उसने जो दीन इलाही एक दीन निकाल दिया था अपना, तो उसके खिलाफ आपने जिहाद किया था ख्वाजा मुजद्दुद्दीन सिस्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने। और उस वक्त जो अकबर के सलाहकार थे उन्होंने अकबर बादशाह को राय दी थी कि ऐसा ना करो, ये अल्लाह वाले फ़कीर हैं, मुजद्दिद हैं। ये मज़ार मुबारक है जो कि दीवार के बिल्कुल ही अंदर से है। ये मैं आपको इस तरफ से भी दिखा देता हूँ। ये आधा मज़ार मुबारक जो है वो इस तरफ है और आधा जो मज़ार मुबारक है वो यहाँ पर है। सब्सक्राइब कीजिए हज़रुल रहमो चैनल को और इस बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक पहुँच सके। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हज़रुल, आप देख रहे हज़रुल रहमो चैनल। दोस्तों अभी हम लोग इस वक्त पहुँच चुके हैं पंजाब, और पंजाब में अभी इस वक्त हम लोग मौजूद हैं सरहिंद शरीफ, और सरहिंद शरीफ में बारगाह है हज़रत ख्वाजा मुजद्दिद अल फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह है। और अभी हम लोग जो आए हैं अजमेर शरीफ से आए हैं, और हमारे साथ में अभी अजमेर शरीफ से हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुमुल अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के खुद्दाम साहब है जो कि अज़र भाई हैं। और हम अजमेर शरीफ से हुजूर ख्वाजाए खाजगान की बारगाह से हम वहाँ से चादर लेकर के आए हैं हज़रत ख्वाजा मुजद्दिद अल फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में, और इंशाल्लाह आज हम यहाँ पे चादर पेश करेंगे और हमारे लिए दुआए खैर अज़रबाई करेंगे। अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम तमाम व्यूअर्स को मेरा, उम्मीद आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि हमारा रूहानी सफ़र एक सूफ़ी सफ़र जो बुजुर्गान दीन की बारगाह माजरी का चल रहा था, तो वो सफ़र इस मकाम पर आया है। अभी हम मौजूद हैं, जैसे कि आप नाम देख सकते हो ऊपर बोर्ड पर, हज़रत ख्वाजा मुजद्दिद अल फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह। आप सिलसिला नक्शबंदी के बहुत पहुँचे हुए बुजुर्ग हैं, और इंशाल्लाह आपके बारे में हम आपको अंदर तफ़सील से बताएँगे, और हज़रत की बारगाह में ज़ियारत भी कराएँगे। और जब हम तबरुक लाएँ हुज़ूर करीम नवाज़ की बारगाह से, जो हुज़ूर करीम नवाज़ के मज़ार मुबारक पर चढ़ी हुई चादरें हैं, वो सरकार के लिए यहाँ पर में तबरुकात हैं, और इंशाल्लाह वो चादर पेश करके दुआ खैर भी करेंगे। और यहाँ पे जो हमारे मेहमान नवाज़ हैं करमजीत जी और किरणजीत जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सभी भाइयों को नमस्ते, उम्मीद है सभी सही सही ठीक होंगे। मेरे भाई, हम सबसे पहले अजमेर शरीफ गए थे, हम सभी हिंदू भाई सिख एक हैं, एक ही खून है एकदम एक। और हम जब अजमेर शरीफ गए थे, इन्होंने हमारी अजमेर शरीफ में बहुत खिदमत की थी। आज वे हमारे पास आए हैं, मैंने इनको संदेशा लगाया कि सरहिंद शरीफ भी आओ। आज ये मेरे संदेशे पे सरहिंद शरीफ में पहुँचे हैं, हम इनका पूरा स्वागत करते हैं और अंदर जाके ये पूरे दर्शन करवाएँगे। और यहाँ पर सामने ये गुरुद्वारा है, ये साथ में छोटे साहबजादों का गुरुद्वारा साहब है, सभी इकट्ठे रहते हैं हम सब भाईचारे से, सभी हिंदू सिख मुस्लिम हम एक मेरे एक होके रहते हैं। सभी को मैं ये आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ। तो आइए हम चलते हैं अभी अज़र भाई के साथ में, और हज़रत की बारगाह में हम जो चादर लेकर के आए हैं वो पेश करते हैं। और आप यहाँ का मंज़र देख सकते हैं कि जो भी ज़ायरीन यहाँ पे ज़ियारत के लिए आते हैं, उन लोगों की सहूलियत के लिए हज़रत ख्वाजा मुजद्दिद अल फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जो भी ज़ायरीन ज़ियारत के लिए आते हैं, उनकी सहूलियत के लिए यहाँ पर लोगों ने अपनी दुकान वगैरह लगा के रखी है, ताकि लोगों को बड़ी ही आसानी से जो यहाँ पर पेश होता है सरकार की बारगाह में वो मिल जाए। ये मंज़र है हज़रत ख्वाजा मुजद्दिद अल फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह का, जो कि सरहिंद शरीफ में है। और अभी हम लोग इस वक्त मौजूद हैं पंजाब सरहिंद शरीफ। और आप तो बहुत पहुँचे हुए बुजुर्ग हैं सिलसिला नक्शबंदिया के, और आपके वालिद साहब और आपके साहबजादान हैं जो साहबजादे साहब हैं, आप उनकी मज़ार भी अंदर ही है, अंदर काफ़ी मज़ारत है। इंशाल्लाह हम तमाम मज़ारत के लिए तमाम मज़ारत में आपको ज़ियारत कराएंगे, और ये चादर का तो हम तमाम बुज़ुर्गों के लिए लेकर आए हैं, तो इंशाल्लाह हम अंदर पेश करेंगे। आइए बंदा देख सकते हो गुम्मद शरीफ हज़रत का आ गया अंदर में, दरगाह शरीफ का बाउंड्री के अंदर हम एंटर कर चुके हैं। सुभानअल्लाह, हज़रत की बारगाह हज़रत ख्वाजा मुजद्दिद अल फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह की। तो अब अंदर की तरफ जा रहे हैं, इंशाल्लाह आगे जा करके वज़ू खाना देखते हैं, वज़ू वगैरह करते हैं, और फूल शीनी जो भी बारगाह में पेश होता है वो मिलेंगे इंशाल्लाह यहाँ से। हमने इस दुकान से शीरनी अगरबत्ती ले लिया है, और अभी हम चल रहे हैं हज़रत की बारगाह की तरफ, और शीरनी अगरबत्ती और चादर पेश करेंगे हज़रत की
मज़ार मुबारक में, और आप ये मंज़र देख सकते हैं यहाँ का, हज़रत की बारगाह के गुम्बद का मंज़र आप देख सकते हैं हमारी वीडियो के ज़रिए से। और इंशाल्लाह अभी हम जाएंगे हज़रत की बारगाह में और अज़र भाई हमारे लिए दुआएं खैर करेंगे। आप यहाँ का मंज़र देख सकते हैं, ये जो गेट है, इंशाल्लाह अभी हम इसी गेट से हज़रत की बारगाह में जाएंगे। हाँ तो दोस्तों, हमने वज़ू वगैरह कर लिया है, अब हम अंदर जा रहे हैं बारगाह में हज़रत ख्वाजा अहमद सरहिंदी मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में। चलिए अंदर चलते हैं और आपके बारे में इंशाल्लाह कुछ आपको बताने की कोशिश करूँगा। अल्लाह बेहतर जानता है वलियों के मर्तबे, हम गुनाहगारों की ज़बान से जो भी आपकी तारीफ़ निकले वो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है मामला देखते हैं। हाँ तो देख सकते हो आप, हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। ये बारगाह हज़रत ख्वाजा अहमद मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह की, जैसे कि आप देख सकते हो या तमाम दीगर मज़ारात भी मौजूद हैं पुराने, और ये अंदर की तरफ जा रहे हैं। अस्सलाम अलैकुम या रसूलल्लाह, अस्सलाम अलैकुम या हबीबुल्लाह, अस्सलाम अलैकुम या नबीउल्लाह, अस्सलाम अलैकुम या खैर खल्कुल्लाह, अस्सलाम अलैकुम या हुज़ूर, अस्सलाम अलैकुम या हुज़ूर ख्वाजा अहमद सरहिंदी मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ग़ुलाम ख्वाजा का सलाम कबूल अता फरमाए सरकार बारगाह में। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप देख सकते हो ये बारगाह हज़रत ख्वाजा मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह की, जैसे हमने बताया था, हम हुज़ूर गरीब नवाज की बारगाह से, ख्वाजा ख्वाजगान की बारगाह से चादर का तोहफा यहाँ पर पेश करने के लिए लाए हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, तीन मज़ारात हैं। हज़रत ख्वाजा मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक है, और आपके दो साहबजादगान के मज़ार मुबारक यहाँ पर मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह हम चादर पेश करते हैं तमाम मज़ारात के ऊपर में और दुआएं खैर करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये चादर है हुज़ूर गरीब नवाज की बारगाह की, जैसे मैंने आपको बताया। तो हमने हज़रत की बारगाह में चादर का तोहफा पेश कर दिया है, अब हुज़ूर गरीब नवाज के वसीले से सरकार की बारगाह में दुआ खैर करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन व आला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका हबीबुल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका नबीउल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका खैर खल्कुल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسقين إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقضى ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الفاتحة. يا إله العالمين، يا پاک کلام میں نے پڑھا، اس پاک کلام کو تیری بارگاہ الہی میں پیش کرتا ہوں، اس کو تیری بارگاہ میں قبول و مقبول عطا فرما، اس کا ہدیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارک کو پہنچا، اور انہیں اس مقام میں محمود فائز فرما جن کا ان سے تو نے وعدہ فرمایا، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں جاتا. اس کا نذرانہ تمام انبیاء احترام، تمام ازواج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام صحابہ احترام، تمام اہل بیت، تمام تابعین تبع تابعین، تمام شہیدان اسلام، تمام شہیدان کربلا، تمام غوث، تمام ابدال، تمام دستگیر، تمام خواجہ، تمام کلندر، تمام اولیاء اللہ، تمام مجذوب، تمام مومن و مومنات، تمام مسلم و مسلمات، اور تمام مرحومین کو اس کا نذرانہ درجہ بدرجہ پہنچا، اور بالخصوص اس پاک کلام کا نذرانہ حضرت خواجہ احمد سرہندی
मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पेश किया, इनकी बारगाह में कबूल मकबूल अता फरमा, और जितने तमाम दीगर मज़ारात यहाँ पर आपके साहबजादगान के उनकी रूह मुबारक को पेश किया, कबूल मकबूल अता फरमा, जो कुछ बारगाह में पढ़ा कबूल अता फरमा, पढ़ने में जो भी गलती गुस्सा की उसको माफ़ अता फरमा, बेशक तेरी ज़ात रहमान रहीम है मेरे मालिक। اللهم انت السلام ومنت السلام عليك رجو السلام حين ربنا واسلام وادخلنا الجنه دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والاكرام اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الدارين والصلاه والسلام عليك يا حضور مجدد الثاني رحمت الله سرکار ہم غلامان غلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں ہمارے غلاموں کا سلام قدم اسی قبول فرمائی سرکار जितने भी लोग आपकी बारगाह में हाजिर हैं और जितने लोग इस वीडियो के जरिए से हाजिरी दे रहे हैं सरकार, तमाम लोगों की जायज़ मकसदों में कामयाबी तफरमाए हुजूर, इनके घरों में जो भी बीमार है बीमार को शफाए कामिल तफरमाए हुजूर, आप अल्लाह के वली अल्लाह के हबीब हैं, बेशक अल्लाह ने अपने तमाम खजाने आपकी ज़ात पाक पे खोल रखे हैं, आप जिसे चाहें दे दो हुजूर, रहमतों से बरकतों से नवाज़े सरकार, जो जो लोग जिन लोगों के घरों में बच्चे जवान हैं बच्चों के लिए नेक साले रिश्ते तफरमाइए, जो लोग ना औलाद उनको साहिब औलाद फरमाइए, जो लोग मखरूज है कर्ज में डूबे हैं कर्ज निजात फरमाइए, जो भी दिलों में आरजू लेकर हम आपकी बारगाह में आए आप रोशन ज़मीर हैं हुजूर, दिलों के हाल जानते हैं, दिलों के तमाम जायज़ मकसदों में कामयाबी तो फरमाइए, दोबारा कामयाबी से कामरानी साहब के बारगाह में हाजिर होने की तौफीक दीजिए, जो भी दुआएँ मांगी हुजूर आपकी बारगाह में कबूल मकबूल हुजूर गरीब नवाज के वसीले से आपकी बारगाह में दुआ मांगी, मैं गुलाम हुजूर मैं खुदाम हुजूर गरीब नवाज का हूँ, आपकी बारगाह में सलामी पेश करने आए हुजूर, कदम उसे कबूल कीजिए सरकार गरीब नवाज के वसीले से सरकार, या सुल्तानुल्लीन गरीब नवाज मोइनुद्दीन मोइनुल हक हबीबल्ला आइना बेज़िल्ला मदद कीजिए हम सबकी खुदा रफ़ी सबिल्ला गरीब नवाज बगर दाबे बलाफ्ता दश्ती ज़ई पानोश किस तरह तो पुश्ती बहक के ख्वाजा उस्मान हारून मदद कुनिया मोइनुद्दीन चिश्ती मदद कुनिया मोइनुद्दीन चिश्ती मदद कुनिया मोइनुद्दीन चिश्ती वकाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िशान अज़मत हबीब अल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून अलन नबी या अय्युहल लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अलैहि या मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सलातु वस्सलाम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन व अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व हक़्क़ल मतीब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो दोस्तों अभी हमारे लिए अज़र भाई ने दुआ खैर कर दी है हज़रत के आस्थान मुबारक में, और अब मैं आपको आस्थान शरीफ के बाहर का क्या मंज़र है वो इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा, और यहाँ पे जितने भी मज़ार मुबारक है उन मज़ार मुबारक की इंशाल्लाह मैं आपको ज़्यारत करवाऊंगा, और इस तरह जितने भी मज़ार मुबारक है इंशाल्लाह हम आपको ज़्यारत करवाते हैं। ये भी तमाम बुजुर्गान दीन के मज़ारात हैं जो यहाँ पर हैं। हज़रत ख्वाजा मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह की तारीख ये कहती है कि आपने अकबर बादशाह के ख़िलाफ़ जिहाद का ऐलान किया था, क्योंकि उसने जो दीन इलाही एक दीन निकाल दिया था अपना, तो उसके ख़िलाफ़ आपने जिहाद किया था ख्वाजा मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने, और उस वक्त जो अकबर के सलाहकार थे उन्होंने अकबर बादशाह को राय दी थी कि ऐसा ना करो, ये अल्लाह वाले फ़कीर हैं मुजद्दिद हैं, और ऐसा ना हो कि तुम दीन से भी जाओ और दुनिया से भी जाओ, तो उसके सलाहकारों की बात मान करके, ये तारीख में लिखी हुई बातें हैं जो मैं आपको कोट कर रहा हूँ, उसके सलाहकारों की बात मान करके उसने वो चीज़ विड्रॉ करी थी जो दीन लाई उसने शुरू किया था, बेशक अल्लाह वाले हैं अल्लाह की ज़ात सबसे पहले इनके लिए। ये हज़रत के आस्थान मुबारक के बिल्कुल ही करीब का मंज़र है, ये मज़ार मुबारक है, आप इस मज़ार मुबारक की ज़्यारत कर सकते हैं, और इंशाल्लाह आप यहाँ पर भी देख लीजिए यहाँ पर भी एक मज़ार मुबारक है। तो आइए अभी हम इस तरफ चलते हैं, इस तरफ भी है मज़ार मुबारक, आइए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दोस्तों ये जो जगह है हज़रत के आस्थान मुबारक के बिल्कुल ही करीब की जगह है, और ये आपकी पूरी बारगाह है जैसा कि हमने आपको आते हुए दिखाया, रोड के बिल्कुल ही करीब में हज़रत की बारगाह का गेट है, जो मेन रोड है रोड के बिल्कुल ही करीब में हज़रत की बारगाह का गेट है। तो आप यहाँ पर ये तीन मज़ारात हैं, ये तीनों मज़ारात की आप हमारे वीडियो के ज़रिए से ज़्यारत कर सकते हैं, और इस तरफ और यहाँ पर भी है तीन मज़ार आप ज़्यारत कर सकते हैं हमारी वीडियो के ज़रिए से, और इंशाल्लाह अभी हम आगे की तरफ चलेंगे। आइए, इस तरफ से रास्ता बंद है इसलिए हमें इस तरफ से चलना पड़ेगा, तो आइए अभी हम चलते हैं आगे की तरफ, और आगे का क्या मंज़र है वो हम आपको दिखाते हैं, और इंशाल्लाह आज हम हज़रत ख्वाजा मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह की पूरी ज़्यारत करवाएंगे। आइए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दोस्तों यहाँ पर जो है, यहाँ पर आइए,
ये तीन मज़ारात है, आप हमारी वीडियो के ज़रिए से इन तीनों मज़ारात की ज़्यारत कर सकते हैं। ये तीन मज़ारात जो है ये हज़रत के बारगाह, जो हज़रत का आस्थान मुबारक है, हज़रत के आस्थान मुबारक के बिल्कुल ही करीब में है ये तीनों मज़ारात। सुभानअल्लाह। और हज़रत ख्वाजा मुजद्दिद अल फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया था हज़रत की बारगाह में काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। तो आइए अभी हम इस तरफ चलते हैं, और यहाँ पर भी एक मज़ार मुबारक है, वो आप हमारी वीडियो के ज़रिए से ज़्यारत कर सकते हैं। और हमने अभी इस तरफ का जो मंज़र था वो हमने आपको, दरबार का जो इस तरफ का मंज़र था वो हमने आपको दिखा दिया है। इस तरफ जितने भी मज़ार मुबारक थे उन सभी मज़ार मुबारक की हमने आपको ज़्यारत करवा दिया है। तो आप यहाँ जो ये मज़ार मुबारक है, आप हमारी वीडियो के ज़रिए से इस मज़ार मुबारक की ज़्यारत कर सकते हैं। और यहाँ पर भी एक मज़ार मुबारक है, इन मज़ार मुबारक की भी आप ज़्यारत कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी हम आइए इस तरफ चलते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आइए यहाँ पर भी दो मज़ार मुबारक है, यहाँ पर भी चादर पेश है, और आप हमारी वीडियो के ज़रिए से यहाँ की भी ज़्यारत कर सकते हैं। तो आइए अभी हम चलते हैं आगे की तरफ। दोस्तों हमने आपको हज़रत के मज़ार मुबारक की ज़्यारत करवा दिया है, और अज़र भाई ने हमारे लिए दुआ खैर कर दी है। और इस तरफ जितने भी मज़ार मुबारक थी हमने आपको, इस तरफ की तमाम मज़ार मुबारक की हमने आपको ज़्यारत करवा दिया है। और इंशाल्लाह अभी हम बाहर की तरफ चलते हैं, और बाहर का क्या मंज़र है वो हम आपको दिखाते हैं। तो आइए चलते हैं अज़र भाई के साथ में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मज़ार मुबारक है जो कि दीवार के बिल्कुल ही अंदर से है। आइए मैं आपको इस तरफ से भी दिखा देता हूँ। ये आधा मज़ार मुबारक जो है वो इस तरफ है, और आधा जो मज़ार मुबारक है वो यहाँ पर है। आप देख सकते हैं आधा मज़ार मुबारक उस तरफ है, आधा मज़ार मुबारक इस तरफ है। और आप यहाँ देख सकते हैं आप कि दीवार के अंदर से मज़ार मुबारक आ रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो आइए अभी ये चलते हैं, अभी हम यहाँ ऊपर जाएंगे, और ऊपर का क्या मंज़र है वो भी हम आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे। तो आइए अभी हम चलते हैं, और ऊपर जाने का जो रास्ता है ये रास्ता है ऊपर जाने का, यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई है। जैसा आस्थान मुबारक नीचे की तरफ है वैसा ही ऊपर है। हज़रत ख्वाजा मुजद्दिद अल फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह का जो आस्थान मुबारक है के ऊपर का जो ये मंज़र है, जो आपका मज़ार मुबारक हज़रत ख्वाजा मुजद्दिद अल फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह का जो मज़ार मुबारक है वो इस तरफ है, आप देख सकते हैं, और आपके जो दोनों साहबजादे साहब हैं वो उस तरफ है। तो आइए चलिए हम अभी चलते हैं आस्थान मुबारक की तरफ। और ये जो मंज़र है ये आस्थाने के ऊपर का मंज़र है, ये आइए इस तरफ से चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं हज़रत ख्वाजा मुजद्दिद अल फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने मुबारक के ये ऊपर का मंज़र है, मुजद्दिद अल फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह का है, और वो आपके दोनों साहबजादे, और नीचे जो मज़ार है तीसरा वो आपके साहबजादी साहब का है, लेकिन ऊपर में उस चीज़ के तावीज़ नहीं दिए गए, खाली ऊपर में तीन मज़ार सेम बिल्कुल सेम जैसा नीचे है वैसा भी ऊपर है। और आप यहाँ से देख सकते हैं ये ऊपर का मंज़र है, और ये हज़रत का गुंबद मुबारक का मंज़र है, ये अंदर से है, हमने आपको बाहर से दिखाया है, और ये काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी बड़ा आस्थाना है। तो आइए अभी हम चलते हैं आगे की तरफ, और आगे का क्या मंज़र है वो भी हम आपको इंशाल्लाह दिखाते हैं। और हज़रत ख्वाजा मुजद्दिद अल फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में इंशाल्लाह कुछ बताना चाहूँगा मैं आपको। आइए आइए आगे की तरफ चलते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो दोस्तों अभी हम बाहर की तरफ आ चुके हैं, और जैसा कि आप दोस्तों ये पर्ची देख रहे हैं, ये हज़रत की बारगाह में लोगों ने अर्ज़ी पेश करके रखी है, ये हज़रत की बारगाह में लोगों ने अर्ज़ी पेश की है, और ये मन्नत के लोगों ने धागे वगैरह बांध के रखे हैं, जो हज़रत की बारगाह में ज़्यारत के लिए आते हैं उन्होंने यहाँ पर मन्नत के धागे तावीज़ ताले और ये अर्ज़ियाँ सरकार की बारगाह में पेश करके रखे हैं। और जैसे मैंने बताया कि मैं आपको कुछ हज़रत के बारे में बताऊँगा, तो हज़रत बहुत पहुँचे हुए बुज़ुर्ग हैं, और आप सिलसिला चिश्तिया कादरिया में भी मुरीद हुए हैं, और सिलसिला नक्शबंदिया में भी आप मुरीद हुए हैं। आपको 17 साल की उम्र में मुजद्दिदी मिल चुकी थी सिलसिला चिश्तिया कादरिया के अंदर में, और कम उम्र थी आपकी, और एक मैच्योरिटी नहीं आई थी, जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पैदाइशी नबी हैं, लेकिन आपने ऐलान नबूवत किया,
आपने ऐलान नबूवत किया 41 साल की उम्र में, ऐसे ही आप वली हैं, पैदाइशी वली हैं, और रिवायतों में भी आता है कि अल्लाह का वली और मजलूब माँ के पेट से पैदा होते हैं, और आप मुजद्दिद हैं। मुजद्दिद आने थे सिलसिला चिश्तिया में, और अल्फसानी आने थे सिलसिला नक्शबंदिया में। तो आप हज़रत ख्वाजा मुजद्दिद अल्फसानी को, आप हज़रत ख्वाजा मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह को दोनों सिलसिलों का फैज़ हासिल है, चिश्तिया कादरिया जो सिलसिला है उसका फैज़ भी हासिल है, और सिलसिला नक्शबंदिया का फैज़ भी आपको हासिल है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ हज़रत की बारगाह में काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, अपने अर्ज़ मारूज़ हज़रत की बारगाह में पेश करते हैं, और इनकी दुआ से, अल्लाह के करम से उनके तमाम दुख परेशानी दूर हो जाते हैं। ये सरकार की बारगाह में लोग आकर के अपने अर्ज़ मारूज़ पेश करते हैं, जो भी उनको दुख मुसीबत है, तकलीफ़ है, वो सरकार की बारगाह में आके पेश करते हैं, इनकी दुआ से, अल्लाह के करम से उनके तमाम दुख परेशानी दूर हो जाती है। अभी हम जा रहे हैं, इस तरफ जो है मस्जिद है, और अभी हम मस्जिद की तरफ चलेंगे, वहाँ मस्जिद में भी कुछ मज़ार मुबारक है, इंशाल्लाह हम आपको उन मज़ार मुबारक की भी ज़्यारत करवाएंगे। आइए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं, ये हज़रत ख्वाजा मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह का बारगाह का मंज़र है ये, आप देख सकते हैं, ये मस्जिद मुबारक है, यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर रहते हैं यहीं पर अपनी अपनी नमाज अदा करते हैं। ये मस्जिद है हज़रत ख्वाजा मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में ही है ये मस्जिद। हज़रत का जो आस्थान मुबारक है वो उस तरफ है, जिस तरफ से हम आपको अभी लेकर के आ रहे हैं, आस्थान मुबारक यहीं करीब में ही है, और आस्थान मुबारक के बिल्कुल ही करीब में ये मस्जिद है। तो आप देख सकते हैं इस मस्जिद को, और यहीं पर लोग अपनी अपनी नमाज अदा करते हैं। तो आइए अभी हम चलते हैं इस तरफ, और यहाँ पर भी दो मज़ार मुबारक है, आप हमारी वीडियो के ज़रिए से ज़्यारत कर सकते हैं। ये जो मज़ार मुबारक है ये मस्जिद के बिल्कुल ही करीब में है, और अभी हम इस तरफ चलेंगे। आइए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो दोस्तों अभी हम इस तरफ आ चुके हैं, और ये जितने भी लोग हज़रत की बारगाह में ज़्यारत के लिए आते हैं, हज़रत ख्वाजा मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में ज़्यारत के लिए आते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर वज़ू का इंतज़ाम किया गया है, यहाँ यहीं पर लोग वज़ू बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी वीडियो के ज़रिए से, और इंशाल्लाह अभी हम चलेंगे आगे की तरफ, और आगे का क्या मंज़र है वो हम आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे। आइए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो दोस्तों आप देख ही सकते हैं हज़रत की बारगाह का मंज़र, ये मंज़र है हज़रत ख्वाजा मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह का, और हज़रत ख्वाजा मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह जो है वो सरहिंद शरीफ पंजाब में है, जैसा कि हमने आपको शुरू में ही वीडियो में बताया है। और पंजाब सरहिंद शरीफ जो है दिल्ली से लगभग 280 किलोमीटर की दूरी पर है, दिल्ली से लगभग 280 किलोमीटर की दूरी पर है। तो दोस्तों हमने आपको हज़रत ख्वाजा मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह का ज़्यारत करवा दिया है, और यहाँ पर जितने भी मज़ार मुबारक थी उन तमाम मज़ार मुबारक की हमने आपको ज़्यारत करवा दिया है। और जो हम चादर लेकर के आए थे हुजूर ख्वाजाए खाजगान हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुमुल अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह से, वो हमने हज़रत ख्वाजा मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पेश कर दी है, और अज़हर भाई ने हमारे लिए दुआएं खैर कर दी है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, वीडियो के बारे में कुछ बोलना है तो कमेंट ज़रूर कीजिए, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ साथ में बेल आइकन की दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी जानकारी पहुँचे आप तक सबसे पहले। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट टॉपिक में, जब तक के लिए बाय बाय।